नमस्कार, टोटल हरियाणा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अमित शाह से मुलाकात करेंगे, पार्टी के अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है, ऐसी खबर है। और आज अमित शाह से मुलाकात, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष बीजेपी के मुलाकात करेंगे उनसे सीएम खट्टर। 27 अक्टूबर को सीएम के तौर पर मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम के तौर पर दुष्यंत चौटाला ने शपथ ली थी, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। क्या आंकड़ा रहता है, क्या फिगर रहता है, कितने लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे और कितने लोगों के साथ में बीजेपी से कितने नेता होंगे, जेजेपी से कितने नेता होंगे और अन्य को कितनी जगह दी जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। विनोद लांबा हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद, क्योंकि अब बहुत समय बीत चुका है और ये दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था कि पहला सत्र हो जाने दीजिए, उसके बाद में मंत्रिमंडल पर बातचीत होगी। आज अमित शाह से मुलाकात, माना जाए कि अब जल्द से जल्द मंत्रिमंडल की तस्वीर सामने होगी। देखिए सपना, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से दिल्ली में डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है अमित शाह की, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही है। और निश्चित तौर पर दिल्ली में उनका जो स्टे है या दिल्ली में उनके रुकने का जो तमाम कार्यक्रम है, इसी वजह से है कि किसी तरह अमित शाह अपने शेड्यूल से बिजी आप थोड़े से फ्री होकर अगर समय निकाल पाए तो निश्चित तौर पर चर्चा की जा चुकी है हरियाणा बीजेपी लेवल पे, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेवल पे और बीएल संतोष जो की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं उनके लेवल पर। अब उस तमाम चर्चाओं पर आखिरी मोहर लगाने के लिए अमित शाह के साथ मुलाकात का इंतजार किया जा रहा है। और जिस दिन आपको याद होगा जिस तरह से सेशन खत्म हुआ था 6 तारीख को और 6 तारीख से बाद लगातार 3-4 दिनों में मुख्यमंत्री आसपास के तमाम कार्यक्रमों को कहीं ना कहीं अपनी शामिल होकर करते रहे हैं, लेकिन असली वजह जो दिल्ली रुकने की है साफ तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार है। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज के निकट कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी दिल्ली मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी दिल्ली मौजूद हैं और अमित शाह की तरफ से अगर कुछ समय दिया जाता है तो आज मंत्रिमंडल पर आखिरी और फाइनल मोहर लग सकती है। इंतजार रहेगा कि तस्वीर कब साफ होती है, लेकिन अब क्योंकि मुश्किलें शायद इसीलिए खड़ी हो रही हैं क्योंकि इस बार सिर्फ मनोहर लाल की नहीं बल्कि गठबंधन की सरकार है जिसमें जेजेपी को भी तवज्जो देना है उतना ही, और खुद की पार्टी में भी जो नेता जैसे कि अनिल विज हैं, 6ठी बार जीत हासिल की है, कोई अच्छा मंत्रिमंडल जरूर वो भी सोचकर बैठे होंगे और कहीं ना कहीं मिलना भी चाहिए अगर 6ठी बार कोई जीते और अन्य भी निगाहें लगाए बैठे, इसीलिए शायद मुश्किलें भी सामने खड़ी हो रही हैं। देखिए निश्चित तौर पर अनिल विज का आपने नाम लिया, रामपाल गुर्जर की बात की जाए वो भी पिछले जो विधानसभा थी यानी कि पहली विधानसभा थी हरियाणा की, वहाँ स्पीकर के रूप में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी तमाम जिम्मेवारियां संभालते रहे थे, ये दो नाम को लेकर बहुत संशय नहीं है। और जैसा आपने कहा कि गठबंधन की सरकार है, अपना ठीक कहा आपने, इसमें मजबूरियां तमाम होती हैं, सिर्फ और सिर्फ मनोहर की सरकार इसे नहीं कहा जा सकता, मनोहर प्लस दुष्यंत चौटाला की ये सरकार है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके, मंत्रिमंडल के गठन को लेके विस्तार इसलिए कहा जा रहा है कि दो मंत्री से पद ले चुके हैं चाहे सीएम और डिप्टी सीएम हो, लेकिन विभागों के बंटवारे से लेके तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी को अब आला कमान की मोहर की जरूरत पहले से ज्यादा पड़ेगी क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार। और एक सवाल आपका था जननायक जनता पार्टी को लेकर, उनके कोटे को लेकर मैं साफ बता दूं, उनके कोटे में 3 मंत्री बनने हैं, 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री। एक कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त ही कहा जाता है डिप्टी सीएम को, वो दुष्यंत को मिल चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि बाकी एक कैबिनेट और एक दूसरा राज्य मंत्री किसके नाम को सिफारिश कर मंत्रिमंडल में शामिल कराते हैं दुष्यंत चौटाला। बिल्कुल, और दुष्यंत चौटाला की पार्टी की तरफ से ये भी साफ कहा जा चुका है कि महिला और दलित चेहरे को यहाँ तवज्जो दिया जाएगा। देखिए महिला चेहरे को लेकर मुझे थोड़ा संशय है क्योंकि कल मैं एक बयान भी कहीं ना कहीं देख रहा था, हालांकि दुष्यंत चौटाला से इस बारे में बात नहीं हो पाई, डिप्टी सीएम आए थे जरूर दिल्ली, हम लोगों की मुलाकात भी हुई थी और मुझे सवाल जवाब भी हुए थे। नैना चौटाला को लेकर ये कहा जा रहा है कि किसी भी रूप में परिवार का दूसरा सदस्य शामिल होगा नहीं, ऐसे में 10 विधायकों में से महिला कोटा किस तरह से दिया जाता है, लेकिन हाँ एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर और एक दलित चेहरे के तौर पर जननायक जनता पार्टी अपने 2 विधायकों को जरूर मंत्री अब दिलाने की बात कर रही है, ऐसी तमाम चीजें हमारी जानकारी में थी। अब देखना होगा कि आखिरकार 2 और मंत्रियों में किन नामों की सिफारिश जननायक जनता पार्टी और खासतौर से दुष्यंत चौटाला करते हैं अपनी तरफ से।
बिल्कुल, और देखना ये दिलचस्प होगा। और इसी बीच कितने बजे ये मुलाकात होगी, क्या इस चीज की जानकारी है? ना अभी मुलाकात का जो वक्त है वो तय नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं इंतजार है, और यही वजह मैं आपको पहले जवाब से ही समझा रहा था कि पिछले 6 तारीख से आज तक का जो समय देखा जाए 10 तारीख तक का, तो वहाँ दिल्ली स्टे का पर्पस ही ये है कि कहीं ना कहीं अमित शाह से मुलाकात हो पाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, होम मिनिस्ट्री भी उनके पास है, तो होम मिनिस्टर होने के नाते देश में तमाम जिस तरह के बड़े फैसले आए हैं, तमाम बड़े तरह की गतिविधियां रही हैं, और कहीं ना कहीं समय बहुत खराब हुआ था। पुलिस और जो दिल्ली पुलिस और जो वकीलों की लड़ाई थी उसको लेकर भी काफी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई थी दिल्ली में खासतौर से, और जो अयोध्या पर फैसला आया, राम मंदिर पर जो फैसला आया, तो तमाम व्यवस्थाएं ऐसी हैं अमित शाह की जिसके चलते हरियाणा पर फोकस नहीं हो पा रहा। और एक साथ ही हरियाणा के साथ जो चुनाव हुए थे महाराष्ट्र, उसका भी आपने देखा होगा घटनाक्रम, पहले इस्तीफा देते हैं फिर उन्हें न्योता मिलता है, तो राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के चलते बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, भले ही कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बना दिया गया हो, तो तमाम चीजें परिस्थितियां इस तरह से बनी हुई हैं कि मुख्यमंत्री चाहकर भी पिछले 3-4 दिनों में मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की मुलाकात का समय निर्धारित नहीं है, अब देखना होगा कि स्टैंड बाई के लिए बताया गया है हरियाणा बीजेपी को, खासतौर से मुख्यमंत्री को, कि आप दिल्ली रहिए, आपको बुलाया जाएगा, तो ये देखना होगा तमाम चीजें किस तरह से आज कौन सा समय फाइनल हो पाता है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।